yellow color 30 to 40 gram wool pink color 30 to 40 gram and blue color 20 gram wool and i have made this project with 3 mm crochet hook so let's start the video but before starting the video i have a request that if you are new in my channel then please subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon to get notification of my new videos so let's start the video

मेक थ्री चेन वन टू एंड थ्री एंड नाव मेक टू मोर डबल क्रॉशिया इन टू द सेम होल जो होल बन के रेडी हुआ है आपका आठ चेन का उसमें दो और डबल क्रॉशिया बना के रेडी करेंगे नाव हेयर आई हैव टोटल थ्री डबल क्रॉशिया थ्री चेन विल बी योर फर्स्ट डबल क्रॉशिया एंड आफ्टर दैट आई हैव मेड हेअर थ्री टू मोर डबल क्रॉशिया नाव मेक टू चेन एंड अगेन थ्री डबल क्रॉशिया एट द सेम प्लेस फिर से दो चेन बनाएंगे और सेम ही होल से तीन और डबल क्रोशिया बना के रेडी करनी है वन टू एंड थ्री अगेन टू चेन एंड मेक थ्री डबल क्रोशिया सो रिपीट द सेम प्रोसेस सिक्स टाइम देयर विल बी सिक्स सेट्स ऑफ थ्री डबल क्रोशिया बाई गिविंग टू चेन स्पेस दो दो चेन का स्पेस देते हुए आपको छह बार सेम पैटर्न को बना के रेडी करना है थ्री डबल क्रोशिया टू चेन थ्री डबल क्रोशिया टू चेन थ्री डबल क्रोशिया सो मेक इट सिक्स टाइम एट द एंड मेक टू चेन एंड एड योर वर्क विद द थर्ड नंबर चेन यू हैव स्टार्टेड योर वर्क विद थ्री चेन सो एड इट विद द थर्ड नंबर चेन वन स्लिप स्टिच इन द नेक्स्ट डबल क्रोशिया एंड इन थर्ड वन दोनों में एक एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और स्लिप स्टिच बना के टू चेन के स्पेस पे आ जाएंगे नाउ मेक वन टू एंड थ्री थ्री चेन नाउ मेक टू डबल क्रोशिया एट द सेम प्लेस सो देयर इज टोटल सिक्स कॉर्नर सो मेक थ्री डबल क्रोशिया टू चेन एंड थ्री डबल क्रोशिया इन ईच कॉर्नर ईच कॉर्नर मीन टू चेन स्पेस दो दो चेन का स्पेस है वहाँ पे आपको तीन डबल क्रोशिया दो चेन और तीन डबल क्रोशिया बनानी है एंड दिस थ्री डबल क्रोशिया टू चेन एंड थ्री डबल क्रोशिया विल बी योर फर्स्ट बटरफ्लाई ये आपकी पहली बटरफ्लाई है सो so अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप बटरफ्लाई के थ्रू भी समझ सकते हैं नाउ इन द नेक्स्ट चेन स्पेस मेक द सेकेंड बटरफ्लाई थ्री डबल क्रोशिया टू चेन एंड थ्री डबल क्रोशिया

ऐट द एंड यहाँ पे टोटल देखिए छः बटरफ्लाई बन के रेडी हो गई हैं एट द एंड एड यू वर्क विद द थर्ड नंबर चेन थर्ड नंबर चेन से वर्क को ऐड करेंगे मेक स्लिप स्टिच इन नेक्स्ट टू डबल क्रोशा एंड वन स्लिप स्लिप स्टिच इन द टू चेन स्पेस दोनों डबल क्रोशा में एक एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और स्लिप स्टिच बनाते हुए दो चेन के स्पेस पे आ जाएंगे ओके okay? अगेन मेक द सेम बटरफ्लाई इन दिस टू चेन स्पेस थ्री डबल क्रोशा टू चेन एंड थ्री डबल क्रोशा तो फिर से यहाँ पर सेम बटरफ्लाई को ही बनाएंगे इस दो चेन के स्पेस में दिस पैटर्न विल बी सेम इन ऑल ओवर योर वर्क पूरे वर्क में ये पैटर्न सेम रहेगा नाव में एक फोर चेन दो बटरफ्लाई के बीच में अब यहाँ पे चार चेन का स्पेस देना है दिस इज द नेक्स्ट बटरफ्लाई मेक फोर चेन एंड नाउ मेक द सेकेंड बटरफ्लाई इन टू चेन स्पेस ये जो दो चेन का स्पेस है यहाँ पे आपको दूसरी बटरफ्लाई बना के रेडी करनी है सो मेक थ्री डबल क्रोशिया टू चेन एंड थ्री डबल क्रोशिया इन द नेक्स्ट टू चेन स्पेस वन टू एंड थ्री थ्री डबल क्रोशिया, टू चेन एंड थ्री डबल क्रोशिया वन टू एंड थ्री अगेन मेक फोर चेन बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड बटरफ्लाई दूसरी और तीसरी बटरफ्लाई के बीच में भी चार चेन का स्पेस देंगे एंड मेक द थर्ड बटरफ्लाई इन द थर्ड टू चेन स्पेस सो जस्ट रिपीट द सेम प्रोसेस एंड कंप्लीट दिस राउंड मेक वन वन बटरफ्लाई इन ईच टू चेन स्पेस एंड बिटवीन टू बटरफ्लाईज गिव फोर चेन स्पेस चार चेन का स्पेस आपको दो बटरफ्लाई के बीच में देना है और हर दो चेन के स्पेस में एक बटरफ्लाई बना के रेडी करनी है बटरफ्लाई मीन्स थ्री डबल क्रोशिया टू चेन एंड थ्री डबल क्रोशिया जस्ट रिपीट द सेम प्रोसेस एंड कंप्लीट दिस राउंड एट द एंड मेक फोर चेन एंड नाउ एड यू वर्क इन द थर्ड नंबर चेन फिर से थर्ड नंबर चेन में वर्क को एड करेंगे मेक वन चेन एंड कट द थ्रेड नाउ यू कैन सी देयर आर टोटल सिक्स बटरफ्लाईज इन माय वर्क एंड यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द बटरफ्लाईज एंड फोर चेन स्पेस ऑल्सो तो सब में आपको चार चेन का स्पेस दिख रहा है दिस इज योर फर्स्ट बटरफ्लाई तो इसी बटरफ्लाई के बीच में हमें धागे को ऐड करना है जस्ट ऐड योर वर्क इन द टू चेन स्पेस ऑफ योर एनी वन बटरफ्लाई जो एक बटरफ्लाई है वहीं पे आपको दूसरा थ्रेड यूज ऐड करना है सो हेयर आई एम गोइंग टू यूज़ वाइट कलर यू कैन यूज़ कलर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आपको जो भी पसंद हो आप उसके अकॉर्डिंग uh, आप यहाँ पे कलर को यूज़ कर सकते हैं अगेन मेक द सेम बटरफ्लाई इन दिस टू चेन स्पेस इस दो चेन के स्पेस में भी सेम बटरफ्लाई को बनाना है सो दिस पैटर्न विल बी सेम इन ऑल ओवर यू वर्क पूरे वर्क में यह पैटर्न सेम ही रहने वाला है थ्री डबल क्रोशिया चेन एंड थ्री डबल क्रोशिया डबल क्रोशिया टू चेन एंड थ्री डबल क्रोशिया टू एंड थ्री ओके सो दिस इज द फर्स्ट बटरफ्लाई एंड नाउ मेक डबल क्रोशा इन दिस फोर चेन स्पेस वन टू थ्री ओके थ्री डबल क्रोशा इन दिस फोर चेन स्पेस वन टू टू चेन एंड थ्री मोर डबल क्रोशा इन द सेम फोर चेन स्पेस तो इस फोर चेन के स्पेस में भी आपको तीन डबल क्रोशा दो चेन और तीन डबल क्रोशा बना लेनी है ओके मेक थ्री डबल क्रॉशिया टू चेन एंड थ्री डबल क्रॉशिया अगेन दिस इज द टू चेन स्पेस ऑफ योर सेकेंड बटरफ्लाई सो मेक थ्री डबल क्रोशिया टू चेन एंड थ्री डबल क्रॉशियाल्सो यहाँ भी आपको तीन डबल क्रोशिया दो चेन और तीन डबल क्रोशिया बना लेनी है सो इन दिस राउंड

बटरफ्लाई है वो भी छः बार बनी हुई है अब बटरफ्लाई से ही आपको यहाँ पे वर्क को बढ़ाना स्टार्ट करना है तो इसी तरीके से एक राउंड में चार चेन से बढ़ेगा और दूसरे राउंड में आपको उसे फिल करना होगा सो एट द एंड एड यू वर्क इन द थ्री चेन स्पेस जो तीन चेन का स्पेस है वहाँ पे आपको अपने वर्क को ऐड कर लेना है

दो चेन के बाद फिर से तीन डबल क्रोशिया तो बटरफ्लाई का पैटर्न सेम रहेगा दिस बटरफ्लाई मीन्स योर सिक्स कॉर्नर विल बी सेम इन ऑल ओवर योर वर्क यू हैव टू चेंज ओनली द मिड पैटर्न ऑफ द टू बटरफ्लाईज ये दो बटरफ्लाई के बीच का पैटर्न है दिस इज द पैटर्न बिटवीन टू बटरफ्लाईज़ थ्री डबल क्रोशिया टू चेन एंड थ्री डबल क्रोशिया सो इंक्रीज योर वर्क हेयर मेक फोर चेन वन टू थ्री एंड फोर यहीं से वर्क को इंक्रीज करेंगे एंड नाओ इन दिस टू चेन स्पेस ऑफ योर न्यू पैटर्न मेक फोर डबल क्रॉशा जो चार डबल क्रॉशा बनानी है यहाँ पर जो नया पैटर्न बन के रेडी हुआ था मेक फोर डबल क्रॉशा इन दिस टू चेन स्पेस दिस इज़ द न्यू पैटर्न सो मेक फोर डबल क्रॉशा हेयर अगेन मेक फोर चेन फिर से चार चेन बनाएंगे एंड नाओ मेक द सेकेंड कॉर्नर मीन्स बटरफ्लाई ऑफ योर सेकेंड कॉर्नर थ्री डबल क्रॉशा टू चेन एंड थ्री डबल क्रोशिया जो दूसरा कॉर्नर है वहाँ पे बटरफ्लाई बना के रेडी करेंगे सो कॉर्नर विल बी सेम इन ऑल ओवर यूर वर्क कॉर्नर सेम ही रहेगा आपके पूरे वर्क में उसमें कोई चेंज नहीं होगा थ्री डबल क्रोशिया टू चेन एंड थ्री डबल क्रोशिया अगेन मेक फोर चेन फोर डबल क्रोशिया इन योर सेकेंड न्यू पैटर्न फोर्थ चेन एंड द थर्ड कॉर्नर

two, three, four. So this four chain space will be increases in your all round. ये जो चार chain का space बढ़ रहा है, वो आपके हर round में बढ़ता चला जाएगा. So now there is uh, two times four chain space. After that you have to make three times four chain space and after that four times. तो ये जो चार chain का space है, ये हर round में आपका बढ़ेगा. At the end of your work, just add your work. One chain, cut the thread and add the new thread in two chain space of your any one butterfly. किसी भी एक butterfly में आपको इसे add कर लेना है तीसरे कलर को जो भी कलर आप ऐड करना चाहें सो so here आई एम यूजिंग येलो कलर मेक द सेम बटरफ्लाई means योर फर्स्ट कॉर्नर दिस इज द टू चेन स्पेस ऑफ योर फर्स्ट कॉर्नर सो मेक द सेम बटरफ्लाई हेयर यहाँ पे कॉर्नर में सेम बटरफ्लाई बनानी है बटरफ्लाई का मतलब है तीन डबल क्रोशा दो चेन और तीन डबल क्रोशा थ्री डबल क्रोशा टू चेन एंड थ्री डबल क्रोशा वन टू एंड थ्री Now in the four chain space there is four two times four chain space. In your first round there uh, there was only one time four chain space, but in the second round you can see there is uh, two times four chain space between two corners. Okay, so make the same pattern in these two uh, in these four chain space mean three double crochet, two chain, three double crochet in the first four chain space. So. मेक द थ्री डबल क्रोशा टू चेन एंड थ्री डबल क्रॉशा इन द फर्स्ट फोर चेन स्पेस जो पहला चार चेन का स्पेस है वहाँ पर आपको तीन डबल क्रोशा दो चेन और तीन डबल क्रोशा ही बनानी है वन टू एंड थ्री एंड नाउ थ्री डबल क्रोशा फोर चेन थ्री सॉरी टू चेन एंड थ्री डबल क्रोशा इन द सेकेंड फोर चेन स्पेस तो यहाँ पे दो बार है चार चेन का स्पेस तो दो बार सेम पैटर्न को बनाएंगे दो कॉर्नर के बीच में दो बार है तो दो बार बनेगा फिर तीन बार बनेगा फिर चार बार तो इसी तरीके से आपका वर्क बढ़ता जाएगा मेक अगेन थ्री डबल क्रोशिया टू चेन एंड थ्री डबल क्रोशिया इन द सेकेंड फोर चेन स्पेस थ्री डबल क्रोशिया टू चेन एंड थ्री डबल क्रोशा वन टू एंड थ्री एंड नाउ मेक द सेकेंड कॉर्नर दिस इज द कॉर्नर सो मेक थ्री डबल क्रोशा टू चेन एंड थ्री डबल क्रोशा इन द सेकेंड कॉर्नर सेकेंड कॉर्नर जो है उसमें फिर से तीन डबल क्रोशा दो चेन और तीन डबल क्रोशा बना के रेडी करेंगे सो बेसिकली दिस इज द वर्क ऑफ टू राउंड्स इन वन राउंड यू हैव टू मे फिल चेन विद द थ्री डबल crochet टू चेन एंड थ्री डबल crochet एंड इन द नेक्स्ट राउंड यू हैव टू increase फोर चेन स्पेस बिटवीन टू कॉर्नर्स तो इसी तरीके से इसे बनाएंगे और इस पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर करेंगे जैसे यहाँ पे बना के रेडी किया है सेम वैसे ही बनाएंगे फिल दिस टू फोर चेन स्पेस बाय थ्री डबल क्रॉशर टू चेन एंड थ्री डबल क्रॉशर कॉर्नर विल बी सेम कॉर्नर सेम होगा ऐसे ही बना के पूरे राउंड को ओवर करना है एट द एंड ऑफ द वर्क एड योर वर्क एंड नाउ मेक फोर चेन स्पेस राउंड अब यहाँ पे चार चेन स्पेस का राउंड बनाना है सो हेयर योर फोर चेन स्पेस विल बी इनक्रीजेज अगेन देयर विल बी थ्री फोर चेन स्पेस इन दिस राउंड कॉर्नर विल बी सेम कॉर्नर जो है उसमें कोई अंतर नहीं होगा कॉर्नर सेम होगा सिर्फ आपका फोर फोर चेन का स्पेस बढ़ेगा एंड देयर आर टोटल सिक्स कॉर्नर्स कॉर्नर यहाँ पे बने हुए हैं तो ये छर्नर जैसे बने हैं सेम वैसे ही बने रहेंगे इनमें कोई चेंज नहीं होना है अगेन बटरफ्लाई विल बी सेम बटरफ्लाई की जगह बटरफ्लाई ही बनाएंगे कॉर्नर जैसे बना है कॉर्नर को वैसे ही बनाएंगे So, make 4 double crochet, 2 chain and 4, uh, sorry, 3 double crochet, 2 chain and 3 double crochet. Okay, and this is the part between 2 corner. You can see, this is the first 4 chain space work and this is the second. So, again do the same process which you have done in your 5th round. Means, फोर चेन एंड फोर डबल क्रोशिया। चार चेन और चार डबल क्रोशिया का वर्क करना है इसके बाद जस्ट जो कॉर्नर है कॉर्नर के जस्ट बाद आपको सेम वर्क को कंप्लीट करना है तो यहाँ पे देखिएगा तीन डबल क्रोशिया, दो चेन और तीन डबल क्रोशिया बनी हुई है अब यहाँ पे मेरे पास तीन चेन हो जाएगी तो कॉर्नर के बाद मेक फोर चेन आफ्टर कॉर्नर मेक फोर चेन वन टू थ्री एंड फोर एंड नाउ in the first two chain space there are total two three double crochet two chain and three double crochet work two times so now uh, make four double crochet in the first one after making four chain space four chain ka space banake यहाँ पे अब आपको चार डबल क्रोशिया बना के रेडी करनी है ओके सो मेक फोर डबल क्रोशिया इन योर फर्स्ट टू चेन स्पेस वन टू थ्री एंड फोर अगेन फोर चेन फिर से चार चेन बनाएंगे वन टू थ्री एंड फोर एंड मेक फोर डबल क्रोशिया इन द नेक्स्ट टू चेन स्पेस वन टू थ्री एंड फोर फिर से यहाँ पे चार डबल क्रोशिया बना ली मेक फोर चेन वन टू थ्री एंड फोर एंड नाउ मेक द सेकेंड कॉर्नर दिस इज द सेकंड कॉर्नर So, make three double crochet, two chain, and three double crochet in the second corner one, two, and three, two. two chain and three double crochet. So, this is the second corner. Repeat the same process and complete this round. Now, make the round number eight again. I am using here. वाइट कलर इन टू चेन स्पेस ऑफ माई फर्स्ट कार्नर पहले कॉर्नर में आपको धागे को ऐड करना है एंड मेक द सेम बटरफ्लाई थ्री डबल क्रोशिया टू चेन एंड थ्री डबल क्रोशिया सो कॉर्नर विल बी सेम एंड देयर विल बी देयर इज थ्री कॉर्नर सो रिपीट द सेम कॉर्नर अगेन एंड अगेन इन ऑल ओवर योर वर्क चेंज विल बी ओनली इन योर फोर चेन स्पेस आई मीन बिटवीन टू कॉर्नर ओनली दो कॉर्नर के बीच में ही चेंज होगा अगेन फिल दीज कॉर्नर्स विथ थ्री डबल क्रोशिया टू चेन एंड थ्री डबल क्रोशिया। सॉरी नॉट कॉर्नर दिस आर फोर चेन स्पेस सो मेक हियर थ्री डबल क्रोशिया, टू चेन एंड थ्री डबल क्रोशिया इन ईच फोर चेन स्पेस एंड देयर इज टोटल थ्री फोर चेन स्पेस सो दिस फोर चेन स्पेस विल बी इंक्रीजेज इन राउंड

One, two, three, three double crochet, two chain, and three double crochet. Two chain and three double crochet. One, two, and three. So just repeat the, these two rounds again and again. In one round you have to increase the four chain space, and in the other round you.

पहले आपका एक स्पेस बढ़ा था फिर दो चार चार चेन के स्पेस बढ़े फिर तीन बढ़ गया इसके बाद चार बढ़ेगा फिर पांच बढ़ेगा उसके बाद छः बढ़ेगा सो जस्ट इंक्रीज द फोर चेन स्पेस आई मीन द बिग होल विच यू कैन सी हेयर एंड जस्ट रिपीट द सेम प्रोसेस दिस टू राउंड्स अगेन एंड अगेन एंड मेक इट बिगर एज यू वॉन्ट जितना बड़ा आप इसे बनाना चाहते हैं उतना बड़ा आप इसे बना सकते हैं So here I have completed my work and at the last I have used here pink color. So uh, just change the color after each two round and you can make it bigger as you want. So let's start to make the final round. I am in the corner. So make one one slip stitch in each double crochet, one slip stitch in the second double crochet, one slip stitch in the third double crochet. वन स्लिप स्टिच इन टू चेन स्पेस एंड अगेन वन स्लिप स्टिच इन द नेक्स्ट डबल क्रोशिया एंड नाउ देर इज अ बिग होल मीन्स फोर चेन स्पेस सो मेक हेयर छ डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे मेक सिक्स डबल क्रोशिया हेयर यहाँ पे पहले छः डबल क्रोशिया बना के रेडी करनी है इस बिग होल में दिस इज द फोर चेन स्पेस वन टू थ्री फोर फाइव एंड

उसी चेन स्पेस में फिर से आपको छः डबल क्रोशिया बना के रेडी करनी है वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स एंड नाउ एड योर वर्क विद द नेक्स्ट फोर चेन स्पेस तो दूसरा वाला चार चेन का स्पेस है यहाँ पे स्लिप से वर्क को ऐड करना है सॉरी सिंगल से ऐड करना है सो मेक वन सिंगल इन द नेक्स्ट फोर चेन स्पेस एंड जस्ट ऐड इट डू द सेम प्रोसेस इन द थर्ड फोर चेन स्पेस मेक डबल एंडलिया इन द सेम चेन स्पेस सो मेक इट ऑल्टरनेटिव इन द फर्स्ट चेन स्पेस यू हैव टू मेक सिक्स डबल क्रोसिया फोर चेन पाईकॉट एंड सिक्स डबल क्रोशिया इन द एंड इन द नेक्स्ट फोर चेन स्पेस यू हैव टू एड यूर वर्क विथ स्लिप स्टिच तो पहले में आपको पैटर्न को बना के रेडी करना है जिसमें आपको छः डबल क्रोशा चार चेन का पाईकॉट और छः डबल क्रॉशा बना के रेडी करनी है और उसके बाद वाला जो चार चेन का स्पेस है उसमें आपको इसे सिंगल क्रोशा से एड कर देना है सो दिस इज़ द थर्ड द फोर चेन स्पेस एंड हेयर आई एम मेकिंग फोर सिक्स डबल क्रोशा फोर चेन पाईकॉट एंड सिक्स डबल क्रोशा वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स एंड नाव आफ्टर सिक्स डबल क्रोचा एड यू वर्क विद द नेक्स्ट फोर चेन स्पेस ओके नाओ यू कैन सी इस तरह से बना के रेडी करना है अब इसे सिंगल क्रोचा से, से एड कर देंगे एंड अगेन इन द नेक्स्ट फोर चेंज स्पेस मेक द सेम पैटर्न फिर से सेम पैटर्न को बनाएंगे सो जस्ट रिपीट द सेम प्रोसेस एंड कम्प्लीट दिस राउंड इस राउंड को हमें ऐसे ही बना के ओवर करना है एंड आफ्टर दैट यो वर्क विल भी कम्प्लीटेड आपका वर्क कम्प्लीट हो जाएगा पूरे में ऐसे ही बनाएंगे और रेडी करेंगे सो नाउ माई वर्क इज रेडी एंड आई होप फ्रेंड्स यू विल लाइक दिस प्रोजेक्ट इफ यू लाइक दिस दैन प्लीज Subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon to get notification of my new videos. This is a very pretty pattern, so please make it. I will meet you in my next video. Till then, bye bye. Thank you and have a nice day.